अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास, जेर तकमील व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन प्लेट्स और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का जायजा लिया गया। इजलास में एमडी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी एसएन यूनस की भी शिरकत। यूईटी के तुलबा और तालिबात के वफद का पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का दौरा, वफद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 35 तलबा और तालिबात शरीक थे। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 82,919 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 7,060 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 59,488 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,684 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 867 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। भोंग पुलिस रहीम यार खान का वारदात के बाद मफरूर होने वाले डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक खतरनाक डाकू हलाक, 3 शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहरी को अगवा करके कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुजरिम मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत अहम इजलास का इनकाद, जेर तकमील व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन प्लेट्स और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एमडी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी एसएन यूनस और चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ ने शिरकत की। इजलास में खुदकार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और चेहरा शनाख्त सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, हासिल करदा नतज पर तबादला ख्याल किया गया। वीडियोस एंड इवेंट्स मैनेजमेंट समेत जदीद फीचर्स और सिस्टम्स बारे पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर एमडी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी एसएन यूनस का कहना था कि खुदकार शनाख्त सिस्टम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों और रिक्शों और दीगर व्हीकल्स की निशानदेही और रिकवरी मुमकिन होगी। आईजी पंजाब ने कहा कि खुदकार नंबर प्लेट और फेस शनाख्त सिस्टम के बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए जदीद तरीन कैमरों की मदद ली जाएगी। खुदकार सिस्टम में आने वाले चोरी शुदा गाड़ियों का अलर्ट जारी होने पर पुलिस एप्स की मदद से फौरी रिकवरी मुमकिन होगी। मॉडर्न पॉलिसिंग के इन जदीद सॉफ्टवेयर से जराइम कंट्रोल और सर्विस डिलीवरी का अमल मजीद बेहतर होगा। यूईटी के तुलबा और तालिबात के वफद ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का दौरा किया। वफद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 35 तुलबा और तालिबात शरीक थे। मजीद तफसीलात देखिए इस खसूसी रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तुलबा और तालिबात के वफद ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का मुतालियाती दौरा किया। वफद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 35 तुलबा और तालिबात शरीक थे। शिफ्ट कमांडर डीएसपी आगा नासिर ने वफद को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। तुलबा और तालिबात को 15 इमरजेंसी कॉल सेंटर, 15 पैनिक बटन, विमेन सेफ्टी एप, लाइव चैट फीचर बारे भी आगाह किया गया। शुरका ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की वर्किंग में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। खवातीन ने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के क्याम को सराहा और इसे वक्त की अहम जरूरत करार दिया। फीमेल्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं कि वो जाकर पुलिस स्टेशन अपना केस ब्रीफ कर सकें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि वो एक फ़ोन कॉल से या अपनी वीडियो कॉल से अपना सारा वो एक्सप्लेन कर सकेंगी टू फीमेल्स और फीमेल्स ही उनकी हेल्प करेंगी। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल छीन गया है या किसी भी वजह से आप मोबाइल के थ्रू 15 पर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, तो आप पैनिक बटन 15 के जो हैं उन पर लाल बटन प्रेस करके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। एक सेफ्टी ऐप भी है जिसके अंदर लाइव चैट का, कॉल का, वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू आपको मॉनिटर कर लेंगे और आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला पुलिस स्टेशन है जो खवातीन को घरेलू तशद्दुद, हैरेसमेंट, तेजाब गर्दी और दीगर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 3200 से जायद केसेस में खवातीन को मदद फराहम कर चुका है। खवातीन किसी भी इमरजेंसी में 15 पर कॉल करके 2 दबाकर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता कर सकती हैं। कैमरामैन अबू जर हाशमी के साथ ताहिरा अली, सेफ सिटी टीवी, लाहौर। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 123, पंजाब यूनिवर्सिटी 130 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 120 रिकॉर्ड किया गया।
बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। भोंग पुलिस रहीम यार खान का वारदात के बाद मफरूर होने वाले डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक खतरनाक डाकू हलाक, 3 शदीद जख्मी हो गए। डाकुओं ने मोजा कादिरपुर में एक गार्ड को जख्मी किया जो बादजां जाबर ना हो सका। पुलिस ने इत्तला मिलते ही जीवन मोड़ के करीब डाकुओं का घेराव किया। हलाक डाकू के कब्जे से क्लैशनकोफ और गोलियों से भरा बैग भी बरामद हुआ। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शहरी को अगवा करके कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुजरिम मुतहदा अरब इमारात से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिम नदीम अशरफ ने 2022 में थाना पीर महल टोबा टैक्सिंग में शहरी को अगवा करके कत्ल किया था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल की मावनत से शहरी को मुतहदा अरब इमारात से ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इश्तिहारी मुजरिम का रेड नोटिस जारी करवाया गया। कानूनी मराहिल मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान की मजमू तादाद 30 हो गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बैरून मुल्क से खतरनाक इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाश। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।